नमस्कार प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। चलिए समझते हैं वर्ग क्या होता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होता है। जैसे 2 का वर्ग, 2 में 2 का गुणा, 2 दुनी 4। 9 का वर्ग यानी 9 का 9 में गुणा, 9 9 81। ये हमारा वर्ग होता है। चलिए अब समझते हैं वर्गमूल क्या होता है। किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो। जैसे 36 का वर्गमूल 6 है, अर्थात 6 का गुणा 6 में किया तो 36 प्राप्त हुआ। अतः 36 का वर्गमूल 6 है। इसे दिए गए वर्गमूल के निशान से प्रदर्शित हम करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे वर्ग का पहाड़ा। जिस प्रकार से अंकों के पहाड़े होते हैं उसी प्रकार से वर्ग का पहाड़ा भी होता है। इससे हमें वर्ग याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी और प्रश्नों को हल करने में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। तो चलो बच्चों, जोश और उमंग के साथ ये वर्ग का पहाड़ा आपको मेरे साथ बोलना है। 1 एकम 1, 2 दुनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पचीस, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 290, 18 18 324, 19 19 361, 20 20 400। तो बच्चों, यह था वर्ग का पहाड़ा। इसे अब आपको कंठस्थ करना है। वर्ग याद करने का यह सबसे आसान व सरल तरीका है और कम से कम 20 तक वर्ग सभी को आने भी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। वंदे मातरम, भारत माता की जय।